हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, एक्सरसाइज 5.2, जिनके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए। और अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको डिवाइड तो करना है बट यूज़ कौन सा मेथड करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड टेबल। ठीक है, तो बहुत ही ईजी मैथड है। जिन बच्चों को टेबल्स नहीं लर्न है वो बच्चे टेबल्स लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपको टेबल्स ही लिखने हैं। जैसे 24 है और इसे डिवाइड करना है 3 से, तो क्या करेंगे बच्चों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो देखिए, आपने यहाँ पर 3 8 जा कितना गया, 24। कितनी बार पढ़ाया आपने, 8 times, तो अब आप आंसर लिख दीजिए 8। इसी प्रकार से 18 को डिवाइड कीजिए 6 से, फिर से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 into 1, 6 into 2, तो 6 into 1 is equal to 6, 6 into 2 is equal to 12, 6 into 3 is equal to 18। तो देखिए यहाँ पर 18 था और 18 को हमने कितने बार पढ़ा है, 3 बार। ठीक है, 6 का टेबल 3 times पढ़ने पर 18 आता है, इसलिए 3 6 जा 18 या 6 3 जा 18। अब 25 है, इसको डिवाइड करिए 5 से और आंसर देना है आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए 5 का टेबल आप पढ़िए कि 25 आना चाहिए। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। आ गया ना 25, तो आपने कितनी बार रीड किया है, 5 बार रीड किया ना, यस। तो यहाँ पर आप फिल कीजिए, 25 divided by 5 is equal to 5। ओके, अब इसी में से जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस तो बहुत हैं लेकिन सभी को टेबल्स आने चाहिए। जैसे 12 है और 72, तो क्या करेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा 72। ओके, तो आपने देखा कि कितनी बार पढ़ाया गया है, 12 का टेबल 6 times। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है और जल्द से जल्द इस वर्क को अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, क्योंकि बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज ही आपको फिल करनी है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।